गुरु, इसका पत्ता तो टच करते ही सब झड़ गया। हाँ, इसे पत्ते तो सारे टच करते ही झड़ गया। आई थिंक लियाना ने इसको पकड़ के बहुत हिलाया है, इसको टॉर्चर किया गया है इसीलिए। हाँ, लियाना जो भी पत्ते देखती है, फूल देखती है, सबको हिला के तोड़ के बराबर कर देती है। क्या ये पत्ता विष है? पॉइजन? विष सुनते ही लगा टेड़े डे 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 विष। अच्छा सुनो, क्या प्लान है आज का? आज तो लियाना और दिविशा को लेके जा रहे हैं। हाँ, लियाना दिविशा अभी सो रहे हैं। हाँ। तो जैसे ही वो उठ जाते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुमको तो नहीं देख के लग रहा है तुम रेडी हो। मुझे आज ऐसे भी गर्मी हो गई है तो 6-7 किलोमीटर रनिंग करनी है, और आज तो जिम में जाके रनिंग करो ना। नहीं, इंडोर तो मैं रनिंग कर ही नहीं सकता, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो आउटडोर थोड़ा अच्छा लगता है। फिर क्यों बोल रहे हो गर्मी है? गर्मी है, जबरदस्ती वर्कआउट तो करना ही है, फिर तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा। फिर सनस्क्रीन लगा दिया है, सनस्क्रीन लगा लिया है, और डेबिना डिकोर्स हैं। जब बाथरूम में जाता हूँ तो इतने सारे मुझे प्रोडक्ट दिखते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लगाऊं। कभी कभी मैं बॉडी लोशन अपने फेस पे लगा रहा होता हूँ सोच के कि ये सनस्क्रीन है, उसके वजह धूप में जाता हूँ तो पिघल रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पिघल क्यों रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट क्योंकि पढ़े लिखे इंसान भी मतलब इतना एफर्ट नहीं डालेंगे कि वो लेबल में पड़े क्लिंजर लिखा हुआ है। टोनर से मुंह धोया जा रहा था 3 दिन से, मैं बार बार देख रही हूँ ये टोनर शावर एरिया में क्यों चला जा रहा है, ये टोनर शावर एरिया में क्यों चला जा रहा है। तुम हो कि मतलब देखते ही नहीं हो, दिखता है कन मन में आ लगता है। और क्या सीन है, आज सीधा तुरंत वापस भी आना होगा ना? जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, मतलब वहां पे दोपहर को पहुंचना है। ठीक है, तो तुम गुरु तुम जल्दी जाओ। हाँ। और ये देखो तुम्हारे लिए मैं अनानास लाके रखी हूँ। अनानास क्या बोलते इसको? अनानास ही तो बोलते हिंदी में। ऐसा क्या? मैं भी भूल गया, ये तुम मेरे लिए लेके आई हो? हाँ। मतलब खाना है कि मुझे इसके ऊपर बैठना है? गुरु ये कल वो सजाया हुआ, जैसे लोगों को सूली पे चढ़ाते तो वैसे मुझे इसके ऊपर बैठाओगी? तो फिर मैं पहले से काट के रख दूं? क्योंकि देवीना के प्यार से ऐसे नहीं आएगी, तुम तुम्हारे लिए रखा हुआ है तो मैं क्या समझूंगी, इतना तो आदमी कोई खाएगा नहीं, इस पे मुझे बैठा दोगे तुम? अरे इसको डेकोरेशन के लिए कल लेकर आए थे हम, और फिर मैंने पता किया कि तुम्हारे डाइट में है अनानास खाना। अनानास मैं से बोल रहे हो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि पाइनएप्पल ना? हाँ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास बोलते हैं, बंगाली में अनारोश। कांटे निकले होते हैं, और उस बम्बू पे अगर तुम बैठे हो तो उसको बोलते हैं आछोला बांश। चलिए गुरु तो चले गया, भगवा के वापस आ जाएगा, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। बच्चे रेडी है, वो रेडी होके ही सो रहे हैं, सिर्फ जैसे नींद से उठेंगे उन लोग का पेपर ले लूंगी, मतलब डॉक्टर वाला पेपर, निकल जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये देखिए न्यू चीज मैंने खरीदा है बेबीज के लिए, कभी मेरे सोफे का चीज कभी सही नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ दिस फेलो ऑलवेज गोज एंड हाइड्स बिहाइंड माई पिलो, और सारे पिलो देखिए ऐसे पड़ा रहता है उल्टा 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 होके, क्योंकि वो उसके पीछे जाके छुपता रहता है। मैं क्या करूं, आप लोगों को लगता है इसका मैं ध्यान नहीं रखती हूँ, इसके लिए सहूलियत के लिए मैंने इस घर में मुझे लगता है ये पिलो लगा है इसके पीछे छुपने के लिए। तो आज मैंने चीनू के लिए ये टमी टाइम बुक खरीदा, इट्स कॉल्ड बेबी टच बुक। मुझे नहीं पता कि वो समझ भी पाएगी कि नहीं, पर टमी टाइम तो मतलब इतने छोटे बच्चों का ही होता है ना, पीनू का तो टमी टाइम नहीं होगा। तो ये ऐसा है, खुलता है और यहाँ पे यू कैन टच एंड सी दैट दिस इज स्मूथ, ये थोड़ा खशखशा है, इस डॉग को बेली रब करोगे तो थोड़ा सा इट्स लिटिल रफ रफ, और ये वेल का जीप जो है एकदम स्मूथ है। फिर नेक्स्ट पेज ऐसा कुछ है, इसको देख के लग रहा है एकदम सॉफ्ट 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 क्लाउड कॉटन टाइप का कुछ डाला हुआ है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है लेकिन ये है टॉवल टाइप का इसका फील। ये सब लेके गाड़ी में बैठूंगी, काम आता है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। नहा चुकी हूँ, जाती हूँ रेडी होने। चलिए आप भी रेडी होते चलिए मेरे साथ, थोड़ा बातें करेंगे, टाइम है जब अपने पास। दी अदर डे आई मेट समबडी, मेरे घर पे आई थी कोई, उनके फेस में बेहद एक्ने हो गया था, एंड शी इज रियली रियली ट्राइंग टू लुक फॉर थिंग्स। कौन है वो मैं बताऊंगी, एक्चुअली मैं एक नैनी ढूंढ रही थी, तो एक नैनी आई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फेस में ऐसा टेरिबल ब्रेकआउट्स हो गया है। और फॉर द फैक्ट दैट मेरा जो चैनल है बहुत सारी लड़कियां देखती है, बहुत यंग है एंड इन द टीनेजर्स और मे बी इवन मैच्योर, और मुझे पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस दौरान भी काफी फेस में ब्रेकआउट्स होता है, मुझे बहुत होता था। अभी इस वक्त मेरे फेस में ऐसा कुछ नहीं है, एक आधी
होता ही है, स्किन का फितरत है भैया। ये देखो, एक इधर हो रहा है, एक इधर, तो दीज आर एक्ने ब्रेकआउट्स, बट वेरी लेस। बट द थिंग इज, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर एक्ने ब्रेकआउट्स विद सैलिसिलिक एसिड। ये मैंने सोचा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाई द एक्ने हैपेंस। एक्ने हैपेंस ड्यू टू क्लॉग्ड पोर्स। जब पोर्स क्लॉग हो जाता है, उसमें ना ग्राइम वाइम घुस जाता है और उसके ऊपर का लेयर ऐसे बंद हो जाता है, सील हो जाता है, तो अंदर वो जो क्लॉगिंग है वो ऐसे करके निकलने की कोशिश करता है, तो सूजन यू नो एक्ने ब्रेकआउट्स जिसको बोलते हैं। जब मुंह खुल जाता है, अंदर से वो पस बाहर आने लग जाता है, उसको हम और दबा के निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे और मल्टीप्लाई हो जाता है, उससे और एग्रेवेट हो जाता है। तो मैंने एकदम लेमैन्स टर्म में बताया। सो ऑल दैट वी नीड टू डू इज कीप आवर स्किन क्लीन यूजिंग प्रोडक्ट्स विद सैलिसिलिक एसिड। जैसे आई हैव दिस फेस वॉश ऑफ डर्माको, इट हैज 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, और इसके बाद आप लगा सकते हो द 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। अभी बता दो, सैलिसिलिक एसिड क्या है? सैलिसिलिक एसिड इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, व्हिच इज लाइक अ BHA, जो क्लॉग्ड पोर्स है उसमें घुस जाता है, क्लॉगिंग को निकालता है और पोर्स को सील कर देता है। तो पोर्स जब श्रिंक हो जाएगा तब पोर्स में घुसेगा नहीं कोई ग्राइम और डर्ट, तो हम परमानेंटली एक्ने से छुटकारा पा जाएंगे। डिड आई लाइक एक्सप्लेन इट इन वेरी लेमैन्स टर्म? सो इन केस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, परसिस्टेंट एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू मस्ट यूज। तो अभी फेस वॉश कैसे करते वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नॉर्मल फेस वॉश को इस फेस वॉश से रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज सिंस इट हैज सैलिसिलिक एसिड, तो जब आप फेस वॉश करेंगे, जो फेस पे वो झाग होता है जब तक आप फेस पे लगा रहे होते हो, वो जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपके पिंपल एक्ने में काम करेगा व्हाइल वॉशिंग ऑफ द डर्ट एंड ग्राइम। आफ्टर योर फेस इज क्लीन, लाइक हाउ माई फेस इज क्लीन नाउ, मैं अभी नहा के फेस वॉश करके आई हूँ, तो उसके बाद आप सीरम को अपने फेस पे लगा लीजिए, मेजरली ऑन योर अफेक्टेड एरिया, फेस एंड नेक, एंड डैब इट इन। So 2% salicylic acid serum is a multitasking formulation जो acne को treat करता है, pores को unclog करता है और skin damage prevent करता है। It has a combination of 2% salicylic acid and witch hazel जो हमारे pore के wall को exfoliate करता है, blackheads और whiteheads के appearance को रोकता है। तो no more sebum in the pores that eventually stops the formation of acne। याद रखे, आप जब भी कोई भी active ingredients लगाएंगे face पे, top it up with a sunscreen, नहीं तो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे फेस को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है, और आप अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा रहे और सनस्क्रीन भूल गए तो आपका स्किन और जल जाएगा, इट बिकम्स लिटिल मोर सेंसिटिव। सो आई थॉट कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इससे आपका स्किन अच्छा हो सकता है, उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे डर्माको प्रोडक्ट्स आर क्लीन कॉस्मेटिक्स, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम विथ माय कोड Divina2023 यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन डर्माको'स ओन वेबसाइट, एंड द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर। और डर्माको हैज स्टार्टेड अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन अलोंग विद भूमि। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम द वेबसाइट, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलोंग विद भूमि। तो यू नो, बच्चों का एजुकेशन, बीइंग अ मदर, आई फील इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा देश डेफिनेटली बहुत तरक्की करेगा। स्किन इन्फॉर्मेशन तो बता दिया, थोड़ा सनस्क्रीन लगा के मैं हल्का सा मेकअप करके निकलूंगी डॉक्टर के पास, सनस्क्रीन लगा रही हूँ और कुछ नहीं। वैसे आज बच्चे सोच रहे हैं, सोचेंगे मतलब गाड़ी में बैठ के घूमी, बट मैं उन दोनों को साथ में इंजेक्शन दिलाने लेके जा रही हूँ। ये मैं अभी बोल दूँ, गाड़ी में बताने का टाइम मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कि उसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर विनीत समधानी। ही इज अ वेरी रिनाउंड पीडियाट्रिशियन ऑफ मुंबई, और इनके जो पापा है वो भी बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है। सबसे अच्छी बात है कि इनका एटीट्यूड ना बहुत कैजुअल भी है, और येट वो माँ बाप का सीरियसनेस भी समझते हैं। तो एकदम कुछ नहीं ऐसे भी नहीं करते हैं, और हर बात पे मतलब एकदम सीरियसली, नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब जब वैक्सीनेशन भी देते हैं ना उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं, कोई नहीं, जाओ आप पार्टी करो, मतलब इस तरीके से। सो आई रियली लाइक दिस एटीट्यूड। तो मैं सोच रही हूँ इनके पास मैं जाऊँगी, तो मेरे आज जो भी सवाल है मैं सब इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ। किसी को फोड़ी हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली मैं पूछूंगी, प्लस मुझे कुछ हरकतें, किसी का जो भी
थोड़ा सा था ना माँ के दिमाग में कुछ कुछ चीजें हमेशा खटकता है, तो वो सारी चीजें भी पूछूंगी। प्लस तो आपके जो भी सवाल है नीचे सारे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं डॉक्टर के साथ एक पॉडकास्ट टाइप का मैं वीडियो शूट करूंगी, जहां पे आपके जो भी सवाल है मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। एंड आई विल रियली ट्राई एंड मेक दैट होल एरे ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ना माँ बाप के दिमाग में, उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करूंगी। चलते हैं, बाल ठीक कर लेती हूँ। बुक ऑल्सो चलो कम पिनू चलो ना वेट गिव मी द बुक। दिस इज कॉल्ड माई फर्स्ट 100-word बुक। ऐसा टॉय पिनू को कल मिला ना। सी पिनू, दिस इज द सेम डॉल फ्रॉम द बुक। वाओ वाओ, सी That one, same, একদম টানটান রয়েছে, নালে এখানে ঢুকে যাবে আবার। মানে ঠিক আছে, ঢুকে যাবে, অনেক বাচ্চারা এরকম থাকে। ওকে ওকে পিনু চলো, ইসকা হ্যাঁ শুজ পিনু লাকাম, লেটস ওয়্যার শুজ, এসে শুজ পেন লেঙ্গে চল। উই আর গোইং গুমি গুমি, সো উই উইল হ্যাভ টু ওয়্যার শুজ না পিনু, ইউ মি মাম্মা পাপা এন্ড আদিবিশা। মেরি মা জব মে এক বাত বলতি হু মম্মি, মম্মি সিফ মুজে ও দেতি রহতি শ্রাপ। শ্রাপ, ইসকো শ্রাপ বলতে হ্যায়। মানে কিয়া বোলা, তেরে সাথ ভি এসা হি হোগা। চলো চলো, কিয়া হুয়া, হ্যাঁ করনে ওয়ালি কিয়া বাত হ্যায়। আরে এসে মম্মি কো বলেগি, মম্মি তুমকো কুছ নহি আতা। মানে কব বোলা কুছ নহি আতা, मैं जब कुछ ढूंढ रही हूँ मम्मी कुछ और बात कर रही है और बाद में बोल रही है उधर ढूंढ। अरे मैं उधर जब ढूंढ रही थी तब मम्मी ने देखा नहीं कि मैं ढूंढ रही हूँ। फाइनली मैंने ये ढूंढ के निकाला, ये ड्रेस, एक सेकेंड, ये ड्रेस मैंने चीनू के लिए लिया था पर उसको बड़ा हो रहा था तो पिनू को हो गया। तो अच्छा है ना, मेरे यहाँ पे ना कोई ड्रेस बड़ा होता है ना छोटा होता है, बड़ा हो गया तो ये पहन लिया, छोटा हो गया तो वो पहन लिया। इसका एक एक्स्ट्रा आउटफिट जो मैं कैरी करूँगी वो ये है, लाइक मदर लाइक डॉटर। मम्मा ने भी शॉर्ट्स पहना है, बेबी ने भी शॉर्ट्स पहना है, ये अलग बात है। मम्मा ने फुल स्लीव पहन लिया। उई चलो 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 चलो, कौन था वो, सी नोकली फोन था वो, नोकली नहीं फोन, चलो हेलो एक लेके जा। लेट्स गो टू द डॉक्टर, शी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस, शी इज फॉन्ड ऑफ एली। पिनू इसको लेके चले या एली को लेके? ओके चलो, इससे तो बड़ा इसका डॉल है, क्या ही करें। आर यू कंफर्टेबल विद दिस शू? ठीक है चलो। गुरु कितना लेट करता है। गुरु, पिनू पापा बाहर है, जाओ गो 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 वॉक आउट। उनको रेडी करके निकलते निकलते गुरु ने बहुत लेट करा दिया। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, बाय। जिम जाके गुरु खो ही गया, बोला रनिंग करने जा रहा हूँ, फिर जिम चला गया, 1.5 घंटे के बाद आया। तब तक तो मतलब मैं एकदम रेडी शेडी होके बच्चों को जबरदस्ती 2-3 बार कपड़े बदल के आज मैंने ये कपड़े पहनाए। ऐसा हेयर बैंड की निकल खुद ही सर से गिर गया। हम लोगों को शांत कराने के लिए दूध पिलाते हुए आना पड़ेगा। चलिए, वी आर रेडी टू गो। इतनी गर्मी थी कि मैंने इन दोनों को ये पहना दिया, पूरा बदन खुला खुला। बॉडी सॉरी, यस, वाओ, एक्साइटेड। दो चीज अगर मुझे बॉडी दिखाना है, स्किन विन कुछ भी, तो वो भी दिखा सकती हूँ। स्किन खुला है, थाइज भी खुला है, ताकि कपड़ा उतार के फिर थाइज में इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा जाएंगे और टंग करके इंजेक्शन लेंगे और ढंग करके हम बाहर आ जाएंगे। इनको बेचारे को पता ही नहीं कि इंजेक्शन लगने जा रहा है। हाँ, अब जा रहे हैं ना पिनू कहाँ। 1, 2 गुम्मी 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 गुम्मी, पिनू और बोनी चले गुम्मी गुम्मी। मेरे दो अनमोल रतन, रिया ना, दिविशा कहाँ है? दरवाजा खोल दिया। जब तक मैं हूँ तो दरवाजा खुल जाए, छत खुल जाए। नहीं, वो वापस से खोलेगी। तुम उसको एक को पकड़ लो, काफी है बाबा दुष्ट जो। ठीक है, गाड़ी में ऐसी करेगी फुल टाइम? क्या गुंडागिरी तो क्या करोगे तुम? मुझे मेरा मसाज हो रहा बॉडी में। अब खोलो, लो करो, खेलो। बाबा दोनों बच्चों को पकड़ के क्या हुआ? यहाँ से हमें एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा पहुँचने में।
थैंक्स टू यू गुरु, तुमने इतना ज्यादा टाइम में ले लिया। मैंने बोला था ना 12 बजे निकलेंगे, सुबह जल्दी लेट उठे ना तो उससे क्या होता है, जिम जाके क्या मोहित हो जाते हो? जब मैंने फोन किया तुम जिम में थे, तुम्हें पता जब है अभी जाते टाइम पूरा तुम्हारा जिम होगा, ये इसको पकड़ के एक बार ये न्यांग करती रह जाएगी। क्या आप पीछे जाओ, मुझे मालूम कुछ बुक्स वुक्स लेकर आते हैं, क्या करेंगे, बुक्स खरीद के बुक्स पढ़ाना होगा। पीनू तो देख ही नहीं रही है, डिंकी 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 या ना, अगर देख लिया कि अभी पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसको तुरंत ब्रेकफास्ट भी करना होगा। मेरे अंडे, 8 अंडे देख सकते हो, ये गुरु का ब्रेकफास्ट। Can you want to have breakfast with papa? No. क्यों इतना जोर से नो बोला? मैं थोड़ा अभी सुकून से गाना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है मैं रनिंग करके गया था, रनिंग करके आया और तब से रनिंग ही कर रहा हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज क्या है, वो उनको मुझे फोटो क्लिक करके भेजना पड़ता है, उसने जो रूटीन बनाया हुआ है, जो मेरी डाइजेशन है उसको उसको मुझे भेजना पड़ता है, मैंने भेज दिया। आप ये देख सकते हो हर एक चीज का अपडेट होता है, कितनी कैलोरीज बर्न किया, कितना कोर एक्सरसाइज की, कितना वेट ट्रेनिंग किया, क्या क्या खा रहा हूँ, हर एक चीज देखो, उसने देख लिया। और इस तरह से पिनू ने देख लिया, वही से पिनू आज वही से खाएंगे दूर दूर से। वाओ यार वेरी हैप्पी, याना कभी फुल टाइम पास हो जाएगा, तुम धीरे धीरे खाओ और पिंटू फास्ट फास्ट लेके चलो, ताकि गुरमीत के खाना खत्म होते होते लियाना खाते खाते हम पहुंच जाए। ये ट्रेनर का मैसेज था, दूसरी है बाइक करो, तो मुझे अपने ट्रेनर को, मैंने कितनी कैलोरीज बर्न किया, सुबह कार्डियो करता हूँ, शाम को मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, वो भेजा और उसका रिप्लाई ये आया। याना के साथ खाते खाते ब्रेकफास्ट मेरे लंच टाइम हो जाता है। गुरु इसको भी दो थोड़ा पीला, इसको दो, हाँ अंडे का पीला, थोड़ा सा उंगली में यूं यूं करके, इसमें ऐसे नहीं गुरु, उंगली से दबा के देखो कहाँ ये गिर रही है, भगवान ही जाने। लो इसने अभी मेरे बालों में इतना अंडा लगाया, डॉक्टर ने कुछ मैसेज किया, 2nd floor 201 ओके, उन्होंने अपना लोकेशन भेज दिया, डॉक्टर विनीत संतानी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और यू कैन से पीडियाट्रिशियन। I am damn emotional. This baby, she completed 6 months. Oh my God. She's going to take her 1 year plus ka vaccine. That is amazing how fast children grows. हम एक दूसरे को जो मिले थे पिछले 18-19 साल ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें लगा हमारी एज ही नहीं हुई, बच्चे हो जाने के बाद पता चला 1 साल निकल गया। ये भी बड़ी हो के पता नहीं जूता खोलने की कोशिश कर रही है अपना, इसकी साइज का तो मुझे एक भी जूता नहीं मिला लेकिन मैंने फिर भी ढूंढ के निकाला है, आ जाएगा होपफुली। अमेजोन से मैंने क्यूट वाइट शूज खरीदे, एक्चुअली मैंने एक योगा क्लास स्टार्ट किया तो वो टीचर ने मुझे एक ही दिन योगा कराया, इतना दर्द। यू शुड ईट स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो लेने से क्या होता है, रिकवरी होती है, तो आगे ले लो बाबा, वो पागल हो जाएगी आगे आने के लिए। पारी मिलना छोटा बेब, पारी को आगे आना है तो ऐसे ही बोल दो अभी, ओ वाह पापा का नया खाना निकल रहा है, I'm happy, आगे so happy, पापा का न्यू खाना आ गया, बाहर हम खाएंगे, हम सब लोग मिलके खा लेंगे। तो अभी मैं खा रहा हूँ ओट्स विद मैंगो एंड ब्लूबेरी एंड सम पीनट बटर, ये है सब गुरु का स्पेशल डाइट। हाँ हम लोग बीच बीच में अलग अलग डाइट पे जाते, मेरा डाइट थोड़े दिन बाद शुरू होगा, गुरु उसको आना है ले लो। Oh my God. पापा को कोई पड़ी नहीं है, पापा स्लो मोशन में बंद करना होगा ये, फिर ये पलट जाएगा तो पूरा रायता फैल जाएगा, तो उसको आगे ले लो, दो मैं इसको पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं तुमसे गिर जाएगा, मुझसे गिर जाएगा। कैसे खाएगी? सब खा सकती है, वो पंडित है। As long as there is no sugar, she can eat everything. She eats blueberries. Give her blueberry, give her mango. आधा दो आधा अभी आपको नहीं मिलेगा, आप खेलोगे खाने के साथ। गुरु इज अ पर्सन जो हमेशा मतलब खुद का मैं खुद खा लूं, खुद पी लूं, खुद जिम चला जाऊं, खुद अपने टाइम पे। ये लिया ना थोड़ी बड़ी होने के बाद ना मुझे अब लगता है गुरु का इन्वॉल्वमेंट जबरदस्ती, बेटी चढ़ जाती है, देखो पूरे मुंह में अंडा लगाया और देखने के लिए उसे उल्टी हो गई, पूरी उल्टी हो गई, क्या हो रहा है ये करके क्या देख लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम गुस्सा नहीं हो सकते हो, ब्लूबेरी और मैंगो एक साथ तो देना नहीं था।
अभी तो मैं करोगे तो दो ब्लूबेरी उसको खिला दो, नहीं खाना नहीं, है नहीं तो खा रही है ना दीपा, मांग रही है ओट्स ही दे दो। वेरी गुड, ये क्यों गिर रही है, इसको भी चाहिए क्या मैंगो ओट्स? वाह, मुंह में ओट्स ओट्स लगा के बोनी के। वे, ऐसे नहीं करो, सुनो पीनू के बोनी को सब लोग क्या करते हैं, पारी। बोनू सो जाओ, तुम्हारी दीदी तुम्हें सुला रही है, सो जाओ। दोनों मिलके नी नी करा दो, नी 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 नी। आंखें खोल के कैसे नी नी करेगी बोनू, ऐसे करके गिर जाएगी क्या? बोनू लतर पतर कर रही है। आज हम घर से बहुत ही दूर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी, विच इज लाइक द अदर एंड ऑफ मुंबई। पहले हम डॉक्टर से मिलने जाते थे वर्ल्डली, आज हम उससे भी ज्यादा दूर जा रहे हैं उनके दूसरे क्लिनिक में मिलने के लिए। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि उस क्लिनिक में डॉक्टर सिर्फ 2:30 बजे तक ही रहते हैं। दोनों तो मुझे लग रहे हैं बाबा गुरु बहुत ही चंचल। हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, याद है गुरु, बहुत टाइम पहले, कि मैं भी बहुत गुंडी थी, तुम भी बहुत गुंडे से थे बचपन में, हमारे बच्चे कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ओह गॉड, ये तैयार हो रही है तब से बैठ के, पता नहीं क्या ये गुलाटी मार रही है, ये क्यों कर रही है ऐसे? क्या क्या तुमको क्या उल्टा पलटा होना है, ऐसे उल्टा ऐसे होना है, उल्टा ऐसे। बीच बीच में हंस भी रही है मुझे देख देख के। हाय कार्स, यू सी कार्स, कार्स, कार्स। मेरे में बचपन में ऐसी एनर्जी थी, गुंडा मैं भी बहुत ही एनर्जी था, इतना छोटे में मुझे याद नहीं है, पर थोड़ी बड़ी थी तो मैं बहुत ही गुंडा मतलब शरारती करती थी। मम्मा भी ड्रैगन बन गई। तुम पीनू बनो, पीनू पीनू बनो। फिर दूसरा आवाज ड्रैगन का, बो 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 बो, पीनू बो बो करो, बो बो तो कर सकते हो। इधर देखो, वो बोनू का जूजू बब्बू। अभी तो तुमने पापा से खाया ना मैंजो, ठीक है, तुम्हारा इंजेक्शन के बाद तुमको दूध पिला देंगे, ताकि तो नाम तो क्या तो समझ नहीं लगते इंजेक्शन वर्ड से। आज उतना ट्रैफिक भी नहीं है और ये टाइम बहुत सही है, एकदम दोपहर, ना ऑफिस जाने का टाइम ना आने का टाइम। यहाँ इधर से जाके, ओ माय गॉड, हु इज अ बिग गर्ल, यहू नोज, हाँ यहाँ यहाँ, ओ माय गॉड, हु इज दैट बिग गर्ल। अरे नोजी से निकल गया, ये देखो छोटा नोजी में इतना बड़ा चश्मा। आई यू क्यूटी, जानबूझ के वाले क्यूटी हो, वाह देखो तो उसको सब समझ में आ रहा है। ओह माय गॉड माय ब्यूटीफुल लिप्स एंड ग्लासेस आर मैचिंग, ओह वाह 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 वाह, माय ब्यूटीफुल डॉटर कुशी 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 कुशी। तो आंखों में मत डाल दो पिनू, यू कैन प्ले, we are racing against time. utna sa dudh peene mein usko itna time lag raha hai, aa jao chalo, kahan jana hai isko pata nahi, so beautiful yaar, yahan pe dekh ke alag se samajh aata hai, beautiful structure. da bachcha dekho jo injection ke liye itna excited hai, ha isne mera baal pakad liya, itna excited ho aap, papa ji joota utar diya isne, kaise कैसे टाइट करके बांधा कि उधर है ना, इधर आओ इधर आओ, ये तुम मेरे बाल ही पकड़ के मेरे गोल गोल घूम घूम के पहुंच गए बिना जूता के कैसे जाएंगे? अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वी आर गोइंग आउट पीनू, बाप रे, सीधा चलो मैं बताती हूँ, पिंटू चलो, वी हैव कम, पिंटू को बोलो, पिंटू सही चलाओ, सीधा चलाओ पिंटू, सीधा चलाओ, यस पहुंच गए, देखो हम लेफ्ट जा रहे हैं, पिनू पिनू देखो हम लेफ्ट जा रहे हैं, पिंटू से बात कर रही हूँ कि पिनू से मुझे ही नहीं पता चल रहा है, वो गिर जाएगी पिनू, मैं अभी यहाँ से डायरेक्शन देख रही हूँ, फोन को टैप मत कर देना, नेक्स्ट वाला लेफ्ट, सीधा 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 चलो, सीधा ए लेफ्ट लेफ्ट, सीधा 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 चलो सीधा, वाह ये क्या है, भारतीय विद्या भवन, अच्छा हाँ थोड़ा सा आगे ही राइट में होगा, यहाँ पे तो कोई ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है।